राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला यूं तो धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में रूप में अपनी अलग पहचान रखता है, लेकिन आस्था के दृष्टिकोण से बात की जाए तो जिले के शिवाड़ कस्बे स्थित घुमेश्वर शिव मंदिर अपना अलग ही स्थान रखता है। दरअसल कस्बे का प्राचीन नाम शिवाल बताया जाता है। भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में अपनी पहचान रखने वाले शिव मंदिर में पूरे प्रदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और भोलेनाथ उनकी मुरादें पूरी भी करते हैं। वहीं प्राकृतिक दृष्टि से हम बात करें तो ऐतिहासिक पहाड़ी के नीचे प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जिसका कृत्रिम निर्माण अमरनाथ मंदिर की तर्ज पर कराया गया है। बता दें कि पहाड़ी पर कई मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, लेकिन साथ ही मंदिर के सामने स्थित शिव सरोवर कस्बा के प्राकृतिक सौंदर्य पर 4 चांद लगाने का कार्य करता है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में 5 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें कवि सम्मेलन, भजन संध्या सहित कई धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। यूं तो कस्बा धार्मिक और प्राकृतिक रूप से राजस्थान के नक्शे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर देखने वाली बात ये होगी कि ट्रस्ट और सरकार का समन्वय होकर आखिर कब ये शिव मंदिर विकास के वास्तविक आयामों को स्पर्श कर सकेगा। वैसे अंतिम ज्योतिर्लिंग होने के कारण विश्वेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग शिवालय क्षेत्र में विद्यमान है। प्राचीन काल में इस जगह का नाम शिवालय था, इसके अंत्यक्षर का लोप होने के बाद में शिवाल हुआ। मध्यकाल के जितने भी कागज मिलते हैं, जितने भी अन्वेषण करते हैं तो साहित्य मिलता है, उसमें इसका नाम शिवाल मिलता है। क्योंकि राजस्थान में लय और ळ का उच्चारण एक सा है, तो शिवाल से इसको वर्तमान में शिवाड़ के नाम से जाना जाता है। को बहुत दुख की बात कहता हूँ कि पिछले आज़ादी के 72 वर्षों के बाद करीब 25-30 वर्षों से इस मंदिर का द्रुतगामी विकास हुआ है, लेकिन किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने आज तक इस मंदिर के विकास के लिए 1 रुपये का भी योगदान नहीं किया है। दस्तक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।